हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ नाइन्टी में तो कैसे हैं आप सभी लोग तो आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है इस बात की मैं गारंटी देता हूँ ठीक है तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं हिंदी की पहली क्लास और सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हिंदी में कुल मिला आपको पढ़ना कितना है सारे टॉपिक बता रहा हूं आज कि ये ये टॉपिक पढ़ना है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं और सभी टॉपिक वाइज हम पहले क्लास करेंगे उसके साथ साथ हम रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस सेट के अनुसार हिंदी में जैसे भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसी से सारे क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर वाकई में ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं ठीक है तो आज की पहली क्लास है हिंदी की टॉपिक वाइज ये आपकी प्ले बन जाएगी उसमें से डेली आपको मतलब एक क्लास देखनी ही देखनी है हिंदी की तो डेली क्लास चलेगी हिंदी की एक टॉपिक वाइज उसके बाद सभी क्वेश्चन बता देंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बता दी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है चलिए तो देखिए पहला टॉपिक सारे टॉपिक हैं हिंदी के मैं लिखवा देता हूँ उसके बाद यहीं से टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं ठीक है तो कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है तो नोट करो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पाँच नंबर छः नंबर सात नंबर आठ नंबर नौ नंबर दस नंबर ग्यारह नंबर कहाँ तक दिख रहा है ग्यारह नंबर तक दिख रहा है चलिए ठीक है तो पहला टॉपिक आपको है हिंदी बर्ड ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है ठीक है ये नोट कर लो हिंदी वर्णमाला ठीक है उसके बाद तद्भव ठीक है उसके बाद आपको पढ़ना है तत्सम उसके बाद आपको पढ़ना है विलोम उसके बाद आपको पढ़ना है अनेकार्थी ठीक है उसके बाद आपको पढ़ना है वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द एक शब्द लिखे दे रहे ठीक है ठीक उसके बाद आपको पढ़ना है समरूपी भिन्न भिन्नार्थक समरूपी ठीक है उसके बाद आपको क्या पढ़ना है अशुद्ध वाक्य ठीक है अशुद्ध वाक्य उसके बाद आपको पढ़ना है लिंग उसके बाद आपको पढ़ना है बचन उसके बाद आपको पढ़ना है कारक ठीक है देख लो नोट कर लो उसके बाद पढ़ना है सर्वनाम विशेषण विशेषण के बाद क्रियाकाल ठीक है उसके बाद बाच्य उसके बाद पढ़ेंगे अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास चिन्ह ठीक है चिन्ह उसके बाद पढ़ना है मुहावरे अरे भाई मुहावरे उसके बाद पढ़ना है छंद अलंकार ठीक है छंद अलंकार तो एक कुल मिला के कितने टॉपिक है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस लगभग पच्चीस टॉपिक आपको पढ़ना है ठीक है और बिल्कुल ठीक बिल्कुल आसान होते हैं ठीक पच्चीस टॉपिक बिल्कुल आसान होते हैं मैं आपको बताता रहूंगा कैसे कैसे पढ़ना है और इसमें मुझे लग रहा है क्या चीज नहीं छूट रही है हिंदी निकार्थी लिंग वचन कारक छंद संधि क्रिया विशेषण सर्वनाम ठीक है बाकी बचेंगी रचनाए ठीक है ठीक रचना है। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है तो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास बिल्कुल एक पहला टॉपिक लेके चलेंगे आप लोग बताओ कहाँ से लेके चले तो सबसे इजी पहला सबसे और अच्छी ट्रिक जो आप एक ही क्लास में हंड्रेड परसेंट कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं दो शब्द में आपका पूरा खत्म हो जाएगा तो वो है आपके पास लिंग ठीक है ठीक ये आपको पढ़ना है समझ हो स्त्रीलिंग और पुणलिंग ठीक तो कैसे इनको पहुंचा पहचानेंगे हम और ये सबसे इजी टॉपिक है ठीक चलो नोट कर लो ये, ये आपको पढ़ना है ठीक है तो आज का टॉपिक रहेगा लिंग ठीक है चलो आज का पहला टॉपिक डाल लो लिंग ठीक है पहचानने की ट्रिक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुस्तक लिंग ठीक है तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से ठीक है ज्यादातर क्या यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह स्त्रीलिंग है और कैसे पहचानेंगे ये पुल्लिंग है ठीक है ठीक है इनको पहचानेंगे हम तो आज की क्लास में आपको ये पढ़ना है और देखो बिल्कुल बहुत आसान है ठीक है एक ट्रिक बता दूंगा ये सभी क्वेश्चन आपके क्लियर एक ही ट्रिक में ठीक तो देखो कौन सी वो ट्रिक है जो एक ही ट्रिक से हम पूरे लिंक बच मतलब लिंक पढ़ सकते हैं एक बचन बहुबचन ये भी मैं आपको बता दूंगा ये भी नेक्स्ट क्लास में आपका डेली एक टॉपिक आपका रहेगा ठीक है तो आज आपने जितने भी टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं जितने भी आपको मैंने बताए लिखवाए ये लिख लो एक पेज में और डेली क्रॉस मारते रहो कि आज का ये टॉपिक खत्म ठीक है तो आज का ये टॉपिक खत्म समझो आज ठीक है तो लिंक पहचानने का तरीका एक सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा अब आपको ये बताओ लड़का स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है ये तो एक छोटा सा सवाल है जो सबको मालूम तो सबको मालूम लड़का पुल्लिंग है यही तो से तो ट्रिक आपकी स्टार्ट होगी ठीक है अब एक चीज ये तो आपको मालूम है अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कोई भी चीज ले लो कोई भी चीज क्या ले लो बैट ले लो बल्ला बल्ला बताओ स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है बल्ला बताओ, जल्दी बताओ सब्जी बताओ सब्जी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग टमाटर बताओ स्त्रीलिंग है या ठीक, बता गाजर बताओ स्त्रीलिंग है या पुरलिंग तो भाई सभी के नाम आ सकते हैं स्त्रीलिंग तो एक ऐसी चीज है, सबके नाम आता है इसमें ठीक है कोई शहर भी हो सकता है कोई चीज भी होगी कोई बस्त हो सकती कोई स्थान हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो मेरे से बताओ लड़का तो आपको मालूम पुल्लिंग है बल्ला बताओ पुलिंग है स्त्रीलिंग कैसे हम पहचानेंगे सब्जी स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है कैसे हम पहचानेंगे टमाटर स्त्रीलिंग है या पुरलिंग गाजर स्त्रीलिंग है या पुरलिंग हम कैसे पहचानेंगे ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है मैदान स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है अब यहीं पे पूछा जाए लखनऊ स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है कुछ भी पूछ सकता है भाई किसी शहर का नाम गंगा स्त्रीलिंग है पुणलिंग पहाड़ स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है ठीक है हाँ बिल्कुल नदी स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ पहचानो पहचानो रामगंगा बताओ बताओ सेमी खाने वाली सेमी गाजर हो गया कोई भी नाम ले लो यार जो आपको ध्यान में आए तो हम पहचानने के बाद सिर्फ एक ही ट्रिक है बहुत लोगों को पता भी होगा ट्रिक जिसको नहीं पता मैं बताने वाला हूँ ठीक है तो आपको पता है मैदान मैदान स्त्रीलिंग या पुल्लिंग तो मैदान है पुल्लिंग ठीक है लखनऊ पुल्लिंग गंगा स्त्रीलिंग बाहर पुलिंग नदी स्त्रीलिंग रामगंगा स्त्रीलिंग सब्जी स्त्रीलिंग बल्ला पुलिंग लड़का पुलिंग टमाटर पुल्लिंग गाजर पुल्लिंग पुलिंग नहीं, गाजर स्त्रीलिंग ठीक है आलू आलू बताओ क्या है स्त्रीलिंग है या पुलिंग है ठीक ये तो मैंने बता दिया अब आप बताऊंगा आपको ट्रिक कि कैसे हम पहचानेंगे ये स्त्रीलिंग या पुलिंग तो कुछ नहीं सब मिटाल दो फिर कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आए बस आपको ये एक चीज लगानी है बोलने से ही आपको पता लग जाएगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है चलो तो स्त्रीलिंग जहां पे लगा हो तो वहाँ पे एक चीज़ ले लो कॉमन में क्या जहां पे भी स्त्रीलिंग पूछा रहा है तो स्त्रीलिंग देखो अच्छी लड़की कैसी होती है अच्छी होती है ना तो लड़की स्त्रीलिंग होती है लड़का कैसा होता है अच्छा होता है ना अच्छा ठीक तो जो मैच खा जाए अच्छा से और अच्छी से हम पहचान जाएंगे ये स्त्रीलिंग है ये पुरलिंग है क्या है ये स्त्रीलिंग ये पुरलिंग अब कोई भी शब्द ले लो आप आपने ले लिया मोबाइल फ़ोन तो मोबाइल मोबाइल बताओ स्त्रीलिंग तो है या पुलिंग है जल्दी से बताओ तो मोबाइल क्या अच्छा होता है ना कि अच्छी होती है तो मोबाइल अच्छा होता है तो अच्छा किस में जाएगा किस में जाएगा पुलिंग में पुलिंग में ठीक ये हो गई सिम सिम अच्छा होता है कि अच्छी होती है सिम सिम अच्छी होती है ना सिम भाई मोबाइल में जो सिम पड़ती है पड़ती ती निकल रही है सिम अच्छी तो अच्छी मतलब सिम स्त्रीलिंग ठीक है सब्जी हमने आपको बताया था सब्जी तो सब्जी अच्छा होता है या अच्छी तो सब्जी अच्छी होती है कैसी होती है अच्छी अच्छी मतलब स्त्रीलिंग ठीक है तो अच्छी लड़की कैसी होगी अच्छी लड़का कैसा होगा अच्छा ठीक है तो लड़की स्त्रीलिंग होती है लड़का पुल्लिंग होता है ठीक तो यहीं से पहचान दो सब्जी क्या होगी अच्छी होगी तो स्त्रीलिंग तो अच्छा अच्छी सही हम समझ जाएंगे कि कौन सी चीज अच्छा है या अच्छी है ठीक बस यही ट्रिक थी अब देखो आपसे कोई सी से पूछा कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी अगर आपसे पूछा किताब किताब स्त्रीलिंग है या पुरलिंग कोई पूछ देगा किताब किताब अच्छी है या अच्छा तो किताब अच्छी है तो अच्छी है तो कहां जाएगी स्त्री मतलब लड़की तो कहां जाएगी स्त्रीलिंग ठीक ये हो गया अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर टमाटर तो टमाटर बताओ कैसा होता है अच्छा होता है कि अच्छी होती है टमाटर टमाटर भाई साहब अच्छा होता है कि अच्छी होती है तो जल्दी से बताओ टमाटर क्या होता है टमाटर अच्छा होता है मतलब पुल्लिंग ठीक अब आप बताओ आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है ठीक है गंगा गंगा अच्छी होती है कि अच्छा होता है तो गंगा बताओ गंगा अच्छा होता है कि अच्छी होती है गंगा तो गंगा अच्छी होती है ना तो गंगा अच्छी मतलब स्त्रीलिंग ठीक और बताओ और क्या दिमाग में चल रहा है तो आज का हमारा टॉपिक लिंग खत्म पढ़ लिया हमने बस एक टॉपिक खत्म अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कल की वीडियो में तो और भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो तो बताइए दस मिनट के अंदर पूरी क्लास खत्म हो गई पूरा एक टॉपिक खत्म हो गया अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी स्त्रीलिंग के एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं परीक्षा में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो आपको कुछ नहीं लगाना बस अच्छा अच्छी लगा दो लड़की अच्छी होती है बस समझो स्त्रीलिंग लड़का अच्छा होता है समझो पुल्लिंग यही ट्रिक है किसी में भी लगाओ जो चीज़ आपके दिमाग में चली अलवारी हमारे सामने अलवारी रखी है तो हमने पूछा किसी ने पूछा अलवारी स्त्रीलिंग है पूर्वी तो अलवारी अच्छा होता है अलवारी अलमारी लिखते हैं उसको तो बताओ अलमारी अच्छी होती है कि अच्छा होता है तो अलमारी अच्छी होती है ना तो मतलब स्त्रीलिंग किसी ने पूछा कुर्सी बताओ कुर्सी अच्छी होती है कि अच्छा होता है तो कुर्सी अच्छी होती है तो अच्छी कहां जाएगी स्त्रीलिंग तो जिसपे हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड सेमी सेमी अच्छी होती है अच्छा होता है तो सेमी अच्छी होती है मतलब स्त्रीलिंग ठीक है किसी ने पूछ दिया बोर्ड तो बोर्ड अच्छा होता है कि अच्छी होती है तो बोर्ड अच्छा होता है मतलब पुलिंग ठीक और बताओ मार्कर मार्कर बताओ मार्कर मार्कर क्या अच्छा है अच्छी है तो मार्कर अच्छा है मतलब पुलिंग और बताओ और दिमाग में क्या चल रहा है गाड़ी गाड़ी अच्छा होता है कि अच्छी गाड़ी अच्छी मतलब स्त्रीलिंग समझ रहे हो और बताओ जो दिमाग में चल रहा है वो आपको रख लेना है और फिर उसके बाद अगर आपको डाउट लगता है तो जाके गूगल सर्च कर लो कि अच्छा होता है कि अच्छी होती है स्त्रीलिंग पुलिंग बनाने की बहुत गजब की ट्रिक है ये ठीक तो आज की क्लास में आपको समझ में आएगा मज़ा आया होगा कोई और दिमाग में चल रहा है लीड कानों वाली लीड अच्छी होती है स्त्रीलिंग ठीक है लाइट लाइट अच्छा होता है कि अच्छी लाइट अच्छी होती है स्त्रीलिंग मोबाइल अच्छा होता है पुल्लग और क्या दिमाग जो सामने आया मैं तो वो उसका नाम बोला क्या क्या नाम बोल दूँ बल्ब अच्छा होता है कि अच्छी होती है बल्ब पुल्लिंग अच्छा होता है और कोई दिमाग में चल रहा वो अपने आप को रख लो अपने आप को रख लो ठीक मैं अच्छा हूँ कि अच्छी तो मैं अच्छा हूँ मैं लड़का हूँ तो मैं अच्छा हूँ अगर यहीं पर कोई लड़की होती वो अच्छी होती ठीक तो चीज़ें समझ में आ गई ट्रिक आपको समझ में आ गई अच्छा अच्छी लगा दो बस समझाएंगे कि स्त्री लेंगे या पढ़ लेंगे ठीक तो आज का डाउट खत्म तो आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्त जरूर कमेंट में बताना आज का एक टॉपिक खत्म 25 टॉपिक थे 25 में से एक माइनस कर दो बच्चे 24 तो इन 24 को भी बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं ठीक है डेली एक टॉपिक चलेगा ठीक है कल की क्लास में कौन सा टॉपिक लेके आता हूँ बेहतरीन ट्रिक के साथ एक ही ट्रिक से सब कुछ आज की ट्रिक से आपको लगा होगा कि बाका मजा आया तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का टॉपिक खत्म दो नंबर दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे चार नंबर आपके कन्फर्म पक्के पक्का हो गया ना हिंदी में चार नंबर पक्के अगर कुछ भी नहीं जानते थे पहले आज की क्लास देखने के बाद सब डाउट खत्म ठीक है तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना अगर मजा आया होगा बाक्या में कमेंट में ये जरूर लिखना कि सर आज की क्लास बहुत अच्छी लगी और ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी तो सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना प्यार सपोर्ट बनाए रखना और ऐसे ही क्लासे हम डेली चलेंगी ट्रिक के हिसाब से हिंदी लेके चलूंगा रीजनिंग लेके चलूंगा मैथ लेके चलूंगा अब आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है आपको मालूम है समय आपके पास अधिकतम चालीस दिन है चालीस दिन से ज़्यादा आपको समय नहीं और सारे टॉपिक पहले पूरे कवर करना है उसके साथ साथ हमें चलना है प्रैक्टिस के अनुसार ठीक है कुछ पढ़ा या ना पढ़ा सब भूल जाए या फिर हम भूल गए हैं हम फिर से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सब टॉपिक वाइज वाजब पढ़ेंगे ठीक है तो हिंदी का आज का पहला टॉपिक खत्म है तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना और सभी टॉपिक टिक लगा लेना कि आज का टॉपिक खत्म है और इसके सारे क्वेश्चन ढूंढ देना जहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है स्त्री लिंक पुल वाला ठीक है लिंक वाला तो सारे क्वेश्चन लगा डालना ठीक है तो चलता हूँ आज की क्लास अगर मजा आया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल में अगर नए हो ठीक है लाइक कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी ली चलता हूँ जय हिंद जय भारत